न्यूज लैब राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा कुशवाहा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आमेर में स्कूली बच्चों को अगवा करने का प्रयास, अभिभावकों ने किया हंगामा। राजधानी जयपुर के आमेर में पीली की तलाई, गांव के स्कूली बच्चों को अगवा करने का प्रयास का मामला सामने आया है, जहां एक दो दिन से स्कूल जाते समय बच्चों को रास्ते में कुछ लोगों ने जबरदस्ती अपहरण करने का प्रयास किया था। घटना के बाद से ही बच्चों के परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। बच्चों ने दिखाया साहस। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल से जाते समय अज्ञात लोगों ने बच्चों को रास्ते में जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों ने अपना साहस दिखाते हुए उनके चुंगल से बचकर निकल गए। उनका कहना था कि मुंह पर नकाब बांधे एक काले कलर की कार में तीन महिला और तीन पुरुष बच्चों का अपहरण करने के लिए घूम रहे हैं। इसके बाद से ही बच्चों में डर बना हुआ है और स्कूल जाने को भी तैयार नहीं है। वहीं स्कूल के बाहर अभिभावकों का हंगामा बढ़ते देख आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों से समझाइश कर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद अभिभावकों ने पुलिस को लिखित में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। हंगामा करने पर जागा विद्यालय। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बीते एक दो दिन से स्कूल जाते समय बच्चों को रास्ते में कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती अपहरण करने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी शिकायत बच्चों के द्वारा निजी विद्यालय को भी की। गांव के अंदर एक काले रंग की वैन और उसके अंदर तीन औरत और तीन आदमी घूम रहे हैं। नकाबपोश आदमी और नकाबपोश पुरुष है वो, और वो बच्चों को किडनैप करने के लिए बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। कल की घटना है कि कल 10 तारीख को स्कूल की वैन बच्चों को जैसे ही रास्ते में उतार गई, वो वैन वहाँ पर पहले से मौजूद खड़ी थी। उसमें से बच्चों को जैसे बच्चे उससे आगे निकले, बच्चों को पीछे पकड़ने भागी हो और बच्चों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे किसी मकान में घुस गए और उन्होंने अपनी जान बचाई। इसके बाद भी वो गाड़ी में से दो बंदे उतर के और बच्चों को पीछे पैदल भागे हैं और वो, लेकिन बच्चे वहाँ से उनके ऊपर पत्थर फेंक के भाग गए। बच्चों ने अपनी जान बचाई, घर में पहुँच गए। इसके बाद जैसे ही घर वालों को सूचना मिली, मैं आया स्कूल में और स्कूल के प्रिंसिपल को और स्कूल के ड्राइवर को बुला के मैंने उनसे सारी सूचना प्राप्त की। उसके बाद मैंने स्कूल वालों को बोला आप FIR कराओ, लेकिन आज तक FIR नहीं कराई उन्होंने। क्यों नहीं करवाई? इसका स्कूल वाले जिम्मेदार है। मैं मेरे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए मैंने इस पूरे गांव को इकट्ठा किया है। अब यहां पर सिर्फ मेरे बच्चों का काम नहीं है, पूरे गांव के बच्चों की सिक्योरिटी का मामला ही है। इसलिए प्रशासन और पुलिस इसका जिम्मेदार खुद को अपने आप जिम्मेदार संभाले, ये कार्रवाई की जाए और सुनिश्चित की जाए पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। हमारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार होके गेट पे खड़े थे, मैं भी खड़ा था, मेरे भैया भी खड़े थे वहीं पे। सुमित और लकी उन दोनों का नाम है और गरिमा। वैन आई वो, जबकि हम जानते हैं उस वैन को, वो आके बोलता है फर्जी वैन कि सुमित और लकी को भेज दो तीनों को। तो हमने पूछा तू कौन, किस स्कूल से आया हूँ। फिर हमने बोला कि तू तो रवानगी ले, हम स्कूल से बात कर लेंगे। जब हमने स्कूल वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने कोई ड्राइवर ऐसा भेजा भी नहीं है, आप मत भेजो उनके साथ में। ड्राइवर से बात हुई तो ड्राइवर ने बोला कि मैं खुद आ रहा हूँ। गाड़ी उसी टाइम रवानगी ले ली, रुका भी नहीं उस टाइम वो। न्यूज लैब राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा कुशवाहा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आमेर में स्कूली बच्चों को अगवा करने का प्रयास, अभिभावकों ने किया हंगामा। राजधानी जयपुर के आमेर में पीली की तलाई, गांव के स्कूली बच्चों को अगवा करने का प्रयास का मामला सामने आया है, जहां एक दो दिन से स्कूल जाते समय बच्चों को रास्ते में कुछ लोगों ने जबरदस्ती अपहरण करने का प्रयास किया था। घटना के बाद से ही बच्चों के परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। बच्चों ने दिखाया साहस। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल से जाते समय अज्ञात लोगों ने बच्चों को रास्ते में जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों ने अपना साहस दिखाते हुए उनके चुंगल से बचकर निकल गए। उनका कहना था कि मुंह पर नकाब बांधे एक काले कलर की कार में तीन महिला और तीन पुरुष बच्चों का अपहरण करने के लिए घूम रहे हैं। इसके बाद से ही बच्चों में डर बना हुआ है और स्कूल जाने को भी तैयार नहीं है। वहीं स्कूल के बाहर अभिभावकों का हंगामा बढ़ते देख आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों से समझाइश कर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
इसके बाद अभिभावकों ने पुलिस को लिखित में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। हंगामा करने पर जागा विद्यालय। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बीते एक दो दिन से स्कूल जाते समय बच्चों को रास्ते में कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती अपहरण करने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी शिकायत बच्चों के द्वारा निजी विद्यालय को भी की। गांव के अंदर एक काले रंग की वैन और उसके अंदर तीन औरत और तीन आदमी घूम रहे हैं, नकाबपोश आदमी और नकाबपोश पुरुष है वो, और वो बच्चों को किडनैप करने के लिए बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। कल की घटना है कि कल 10 तारीख को स्कूल की वैन बच्चों को जैसे ही रास्ते में उतार गई, वो वैन वहाँ पर पहले से मौजूद खड़ी थी, उसमें से बच्चों को जैसे बच्चे उससे आगे निकले बच्चों को पीछे पकड़ने भागी हो और बच्चों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे किसी मकान में घुस गए और उन्होंने अपनी जान बचाई। इसके बाद भी वो गाड़ी में से दो बंदे उतर के और बच्चों को पीछे पैदल भागे हैं और वो, लेकिन बच्चे वहाँ से उनके ऊपर पत्थर फेंक के भाग गए, बच्चों ने अपनी जान बचाई, घर में पहुँच गए। इसके बाद जैसे ही घर वालों को सूचना मिली, मैं आया स्कूल में और स्कूल के प्रिंसिपल को और स्कूल के ड्राइवर को बुला के मैंने उनसे सारी सूचना प्राप्त की। उसके बाद मैंने स्कूल वालों को बोला आप FIR कराओ, लेकिन आज तक FIR नहीं कराई उन्होंने। क्यों नहीं करवाई? इसका स्कूल वाले जिम्मेदार है। मैं मेरे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए मैंने इस पूरे गांव को इकट्ठा किया है। अब यहां पर सिर्फ मेरे बच्चों का काम नहीं है, पूरे गांव के बच्चों की सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए प्रशासन और पुलिस इसका जिम्मेदार खुद को अपने आप जिम्मेदार संभाले, ये कार्रवाई की जाए और सुनिश्चित की जाए पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। हमारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार होके गेट पे खड़े थे, मैं भी खड़ा था, मेरे भैया भी खड़े थे वहीं पे। सुमित और लकी उन दोनों का नाम है और गरिमा। वैन आई वो, जबकि हम जानते थे उस वैन को, वो आके बोलता है फर्जी वैन कि सुमित और लकी को भेज दो तीनों को। तो हमने पूछा तू कौन, किस स्कूल से आया हूँ। फिर हमने बोला कि तू तो रवानगी ले, हम स्कूल से बात कर लेंगे। जब हमने स्कूल वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने कोई ड्राइवर ऐसा भेजा भी नहीं है, आप मत भेजो उनके साथ में। ड्राइवर से बात हुई तो ड्राइवर ने बोला कि मैं खुद आ रहा हूँ, गाड़ी तो गाड़ी उसी टाइम रवानगी ले ली, रुका भी नहीं उस टाइम।